एमएस पेंट के पार्ट टू वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एमएस पेंट में एसबीआई लोगो कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को भी थोड़ा सा स्किप नहीं करना है। तो चलिए बनाते पहले आपको यहाँ से ओवल शेप लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको शिफ्ट के साथ इस तरह से कुछ ड्रॉ करना है, शिफ्ट के साथ ड्रॉ करना, इससे मेरा सर्कल पूरा गोला होगा। फिर से आपको सर्कल को एक छोटा सा बीच में सर्कल को ड्रॉ कर देना है इस तरह से। एरो की से आप इसको कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद आपको लेना है, फिर से यहाँ से लेना है रेक्टेंगुलर टूल, आपको दिखाई दे रहे होंगे। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देना है और अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छा से मिला लें। मिलाने के बाद आपको यहाँ से कलर बॉक्स को लेना है और आपको एसबीआई लोगो का कलर फिल कर देना इस तरह से। फिल करने के बाद आपको फिर से कलर बॉक्स में जाना है, यहाँ से लेना है आपको वाइट कलर। और वाइट कलर आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको वाइट कलर इस शेप के लाइन में फिल करना है। इसे फिल करना है लाइन में, आपको ध्यान से देख, देखिए मैंने लाइन में यहाँ पे फिल कर रहे हैं। देखें जैसे ही फिल करेंगे आपके सामने एसबीआई लोगो बनके तैयार हो जाएगा।